दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एप्लिकेंट कैटेगरीज केयर गिवर पायलट प्रोग्राम में दो तरह की, न्यू पायलट प्रोग्राम में दो तरह की कैटेगरी हैं, जो एम्बेसी की नज़र में दो तरह की कैटेगरी हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स आउटसाइड और इनसाइड कनाडा, चाहे वो अंदर आए चाहे बाहर आए कनाडा के, हु हैव 0 to 23 months ऑफ एलिजिबल कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, जिनके पास 0 से 23 महीने, यानी कि 6 महीने का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी, 23 महीने का भी वर्क एक्सपीरियंस है कैनेडा का। एप्लीकेंट अंडर कैटेगरी ए मस्ट अप्लाई फॉर इनिशियल ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्टेड ओपन वर्क परमिट। तो उनको शुरू में ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्टेड ओपन वर्क परमिट में अप्लाई करना पड़ेगा और एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंस APR दायर करनी पड़ेगी। इफ़ ऑल परमानेंट रेजिडेंस रिक्वायरमेंट आर मेट एक्सेप्ट फॉर वर्क एक्सपीरियंस, अगर उनकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PR की पूरी होती हैं मगर वर्क एक्सपीरियंस की नहीं होती, तो उनको ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्टेड ओपन वर्क परमिट इशू किया जाएगा, NOC 4411, NOC 4412, टू अलाउ केयर गिवर टू कम टू कनाडा एज टेम्परेरी रेजिडेंट और एक्वायर दी 24 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद इन 3 ईयर, ताकि वो 3 साल के वीज़ा में अपना 24 months का, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लें। द 3 ईयर पीरियड, जो 3 ईयर पीरियड स्टार्ट होगा वर्क, वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जब वर्क परमिट इशू होगा। तो ये कैटेगरी ए है। कैटेगरी बी इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट। कैटेगरी बी वो एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास 24 month का कंप्लीट हो चुका है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, NOC 4411, NOC 4412। 4411 बच्चों के लिए है NOC, और NOC 4412 वो आपका बना एल्डर केयर में या डिसेबल्ड केयर में, अपॉन अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेजिडेंसी अंडर 1 or 2 पायलट। मगर ये याद रखिए कि कंबाइंड वर्क एक्सपीरियंस अंडर दी 2 NOC इज नॉट काउंटेड। अगर आपका आधा एक्सपीरियंस चाइल्ड केयर में, आधा ओल्ड एज केयर या डिसेबल्ड केयर में है, तो वो वर्क एक्सपीरियंस एक दूजे में प्लस नहीं होगा। तो ये याद रखना है, एक कैटेगरी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि आदमी कई बार सोचता है कि मैंने तो एल्डर केयर में भी कर लिया और चाइल्ड केयर में भी कर लिया, तो मेरे को इसका बेनिफिट दो। मैंने 1 साल किया चाइल्ड केयर में और 1 साल एल्डर केयर में, तो वो उसको 1 साल का बेनिफिट ही एक कैटेगरी में मिलेगा। एप्लीकेंट अंडर द कैटेगरी बी आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्टेड। जिन्होंने 24 महीने पूरा कर लिया है एप्लीकेंट्स अंडर कैटेगरी बी, उनको ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्टेड ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं। दे आर एलिजिबल फॉर, उनको POWP ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एट एनी टाइम विद और आफ्टर देयर APR सबमिशन, यानी एप्लीकेशन फॉर PR में। हाउ एवर देयर वर्क परमिट एप्लीकेशन इज नॉट प्रोसेस, जब उनकी वर्क परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी जब तक कि APR पे डिसीजन नहीं आ जाता। तो ये आपको बहुत ही जरूरी एप्लीकेंट कैटेगरीज थी वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से। दोस्तों अच्छा लग गया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो शेयर करना साडा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸ਼ਰੋਤਾਗਣ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, 9872468540। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, 9872468540। ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। WW ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡੀਆ।